ठीक है। अब मैं एक बात करना चाह रहा हूँ भाई, देखो अब न्यूक्लियस में किसी भी एटम की बात करूँ मैं, न्यूक्लियाई तो हमारे फर्स्ट प्रेजेंट नहीं होता है, किससे सेपरेट, मैंने हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस ले लिया भैया, होता तो मेरे पास पूरा एटम ही प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट होता है एटम। अगर मैं एक एटम की बात करूँ, किसकी बात करूँ, तो एटम में दो पार्ट होते हैं, जैसे मैं ये बात करूँ, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया भैया, इसके बाहर वाला पार्ट हो गया जिसमें क्या होते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मैं बात करूँ एटम के पास दो पार्ट होते हैं, एक क्या न्यूक्लियर पार्ट जिसमें न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियर पार्ट, और दूसरा क्या होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, क्या होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो भैया देखो जब बाहर कुछ चीज प्रेजेंट है, क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो मेरे वी नोड या मैग्नेटिक फील्ड जो भी अप्लाई हो रहा है, क्या जो भी मेरा बी नोड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसको इफेक्ट कर रहे होंगे, और इफेक्ट करेंगे भी क्यों ना भैया, करेंगे ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी तो मोशन में है। अब कोई भी चीज मोशन में होती है तो वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है, आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग है तो इनका स्पिन भी अलग अलग, हाँ इनका मोमेंट अलग अलग होगा। तो अगर मैं बात करूँ बी नोड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके बी नोड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होंगे तो डाउनवर्ड होगा बी, तो बी क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की वजह से। तो इस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं रोल ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, का क्या रोल होता है, ठीक है, रोल ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। अब यहां मेरे पास एक चीज आई कि भैया अब जो मेरा बी नोड, अब मेरे न्यूक्लियस को तो बी नोड एक्सपीरियंस नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी इसके बी से ये कट रहा होगा, तो मैं जो बात लिखता था कि मेरी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी नोड के, एक्चुअल में वो मेरा होता था प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वी इफेक्टिव के, जैसे जेड इफेक्टिव चेंज होता है, और वी इफेक्टिव क्या होगा मेरा भैया, बी इफेक्टिव मेरा होगा जो मेरा न्यूक्लियस जितना फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, एक्चुअल में वी नोड नहीं करेगा, वो कितना करेगा वी नोड माइनस बी ई करेगा, V नोड माइनस बी करेगा, B इफेक्टिव इक्वल्स टू V नोड माइनस बी। अब मेरा ये B बताएगा भैया मेरा न्यूक्लियस कितने प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी, क्या कितना 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 मैग्नेटिक फील्ड क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, और B कब ज़्यादा होगा जब मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ज़्यादा होंगे, या बोलूँ मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बी ज़्यादा होगा और मेरा बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और बी इफेक्टिव कम हो जाएगा तो मेरी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी। या बात करूँ मैं अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, दूसरी बात पहला ये रहा, दूसरी बात यहाँ देखो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ठीक है, तो भैया बी ई कम होगा, बी इफेक्टिव ज़्यादा होगा और मेरी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत सही बात है ठीक है। या बात करूँ मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भैया शील्डिंग ज़्यादा होगी, क्या ज़्यादा होगी शील्डिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा होगी, इसमें जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में वर्ड यूज़ करते हैं डिफिशियंसी करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ठीक है कम नहीं करते, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कर लेते हैं ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग, क्या बोलते हैं शील्डिंग, और जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा होती है इसी को हम बोलते हैं डी शील्डिंग, और ये वर्ड पूरे NMR में बार बार सुनने को मिलेंगे, क्या शील्डिंग बढ़ गई डी शील्डिंग बढ़ गई, जैसे ही शील्डिंग बढ़ेगी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी क्या घट जाएगी, और प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ही केमिकल शिफ्ट का जनक है, प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ही घटेगी तो केमिकल शिफ्ट भी घटेगी, केमिकल शिफ्ट क्या होती है वो हम देखेंगे, आज ही ओवरव्यू लेंगे, बाद में डिटेल में हम जब फैक्टर्स पढ़ाऊंगा सारे फैक्टर्स पढ़ाऊंगा NMR के, तो जब केमिकल शिफ्ट पढ़ेंगे उसको देखेंगे ठीक है। तो भैया जब शील्डिंग बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो मेरा क्या हो जाएगा प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि वी इफेक्टिव कम हो रहा होगा यानी मेरी केमिकल शिफ्ट कम होगी, सिग्नल पहले मिल जाएगा ठीक है, क्या मिल जाएगा सिग्नल पहले मिल जाएगा। और इसी की बात पर अगर मैं बात करूँ तीन एग्जाम्पल लूँ, जैसे FCH2HA ठीक है
Cl CH2 HB और I CH2 HC। तो जो मेरी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी होगी HA HB HC तीन प्रोटॉन की 1H NMR में, वो किसकी भैया सबसे ज्यादा होगी? देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बात मानते हो? तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड में कम कर देगा, HA के पास कम कर देगा, ये इधर खींचना चाहेगा, ये सबसे ज्यादा इधर खींचेगा ना, तो HA पर सबसे ज्यादा डेल पॉजिटिव आएगा, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी तो भैया मेरा क्या होगा, BE घटेगा, V इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है, और इसी की वजह से प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। फिर इसमें उससे कम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, इसमें और कम डिफिशियंसी होगी, तो ऑर्डर बात करूँ तो प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ HA सबसे ज़्यादा होगी, प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ HB उससे कम, और सबसे कम प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ HC, ठीक है, ये भैया ऑर्डर हो जाएगा किसका, प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी का, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग डीशील्डिंग या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग डीशील्डिंग और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे बात करूँ, ठीक है। अब बात करता हूँ भैया, एक बात और सुन लो, क्या हुआ, अब जब मेरे पास मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाए, शुरू में जब साइंटिस्टों ने वो बनाए, ये कॉन्सेप्ट पता चल गया उनको, वो बनाया तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, वो भैया प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी वेरी कर रहे थे। अब प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी को वेरी कर करके सिग्नल लेते थे हर प्रोटोन की, जैसे ही मेरा केमिकल एनवायरनमेंट चेंज होता था, जैसे यहाँ सी एल हो गया, एच हो गया, ये एक इसका देखो सिग्नल कब मिलता है, हर एक प्रोटोन, मैं बात करूँ अगर प्रोटोन या जो भी क्या NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, उसका अगर अलग केमिकल एनवायरनमेंट होगा तो उसका एक सिग्नल मिलेगा, मतलब मैं बात करूँ नंबर ऑफ सिग्नल की बात करूँगा, जैसे सिग्नल कब मिलता है, नंबर ऑफ सिग्नल की बात करूँ, सिग्नल या सिग्नल की बात करूँ, सिग्नल कब मिलेगा, जब मेरा NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ सिग्नल कब मिलेंगे भैया, नंबर ऑफ सिग्नल उतने कितने नंबर के होंगे, कि जितने नंबर ऑफ केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियस होंगे, क्या होंगे, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। अब भैया जब केमिकली नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियस होंगे, जैसे मैं बात करूँ एक मॉलिक्यूल्स में अगर दो ही टाइप के प्रोटोन होंगे, जैसे ये और ये, इधर सी एल लगा हुआ है, इधर बी आर, तो ये वाले प्रोटोन अलग हैं, ये वाले प्रोटोन अलग हैं, तो 1H NMR में इसका प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी अलग होगी, इसकी अलग होगी, क्योंकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, क्योंकि भैया इनका वी इफेक्टिव डिफरेंट है, तो इसकी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी कुछ होगी और इसकी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी कुछ होगी, ये दोनों अलग अलग होंगी ना, और क्योंकि इनका मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि इसका वी इफेक्टिव अलग होगा और इसका वी इफेक्टिव अलग होगा। अब इनके सिग्नल के रिकॉर्ड करने के लिए इतनी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि इतनी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए, ठीक है। तो भैया क्या हम हर एक के लिए अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगे, इसके लिए इसके लिए, वो फिजिबल नहीं था, वो फिजिबल नहीं था, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आया वो है सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट, क्या गया यहाँ से, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट, जिसको हम केमिकल शिफ्ट को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, और जनरली मेजर करते हैं ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में, इसका डिटेल में बाहर से पढ़ेंगे, अभी मैं बस बात करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट आया कहाँ से। तो एक्चुअली हम व्यू नोड, मतलब मैं बात करूँ म्यू नोड में, यानी फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में, ठीक है, क्या नहीं कर सकते थे भैया, फीजिबल नहीं था, क्या नहीं ले सकते थे, हम अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते थे या कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमें भैया क्या, एक तो सबसे पहले सिग्नल के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी भाई, व्यू नॉट नहीं था, क्योंकि दो रीजन थे इसके, ना इसमें इंस्ट्रूमेंट ना बनाने के, एक तो ये फीजिबल नहीं था भैया, क्या नहीं था, एक तो ये फीजिबल नहीं था, दूसरा भैया इसमें क्या वेरी करना पड़ रहा था, वी नॉट वेरी करना पड़ रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जिसका, ये वेरी करना पड़ रहा था बी नोट की वजह से। इन दोनों रीजन की वजह से मेरा क्या, मुझे भैया मेरी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी के वेरिएशन के इंस्ट्रूमेंट नहीं बने, मैंने किसका कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, शिफ्ट का। अब केमिकल शिफ्ट क्या होती है, देखो अब केमिकल शिफ्ट क्या थी, थोड़ा सा केमिकल शिफ्ट के बारे में यही जान लेते हैं, आगे आसानी होगी, जिसको यहाँ समझ में नहीं भी आएगा ना भाई, जब मैं अलग अलग बताऊंगा ना फैक्टर्स, उसको वहां समझ में आ जाएगा, वही ये चीज़ सेम डिटो चीज़, जब मैं सात फैक्टर में पूरा NMR डिफाइन कर दूंगा, कोई सा भी स्ट्रक्चर देखोगे सबका NMR पता चल जाएगा, तो मैं सिर्फ सात फैक्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, उससे ही सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। मैं बात करूं तो केमिकल शिफ्ट की जरूरत पड़ी, केमिकल शिफ्ट क्या था, डेल्टा। अब शिफ्ट से मतलब होता है कि भैया ये कुछ ही चीज की शिफ्ट है,
जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो NMR स्केल क्या होता था भैया, ये कुछ स्केल होता था, ये कुछ ऐसे था। अब कहें कहा कि भैया यहाँ अगर ये स्केल डिटरमाइन करूँ कि कुछ कुछ इस पे लेंथ होती थी। अब स्केल स्टार्ट कहाँ से हो, स्केल स्टार्ट कहाँ से हो, तो एक हर चीज के स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है या रेफरेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रेफरेंस चाहिए होता है। जो मेरी केमिकल शिफ्ट के लिए रेफरेंस था, अगर मैं बात करूँ 1H NMR की, हर NMR के लिए अलग अलग होगा, 1H और 13C के लिए तो सेम ही है, ठीक है। दैट इज, तो 1H NMR के लिए जो रेफरेंस था दैट इज TMS, टेट्रामिथाइलसिलेन, यानी क्या था, SiCH3CH3CH3। ये क्या था मेरा रेफरेंस था, किसका, टेट्रामिथाइलसिलेन, किसका, 1H NMR। 13C का भी यही होता है, हर अलग अलग होगा। जब मैं 17F की बात करूंगा, 13C के लिए तो यही है, ये 31P की बात करूंगा तो उनके लिए अलग होता है। ये रेफरेंस क्या होता था कि भैया इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी ना, इसकी जो प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी होती थी, वही मेरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती थी। वही मेरी क्या होती थी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती थी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसकी, इंस्ट्रूमेंट की। और इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती थी, तो जैसे जो TMS की फ्रीक्वेंसी होती थी, उसी का नाम क्या होता था कि भैया इतने ही मेगाहर्ट्ज का मेरा इंस्ट्रूमेंट है, उतने पर ही इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया जाता था। उतने पर ही किसका नाम दिया जाता था, इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया जाता था कि भैया 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब ये था कि 500 मेगाहर्ट्ज TMS की क्या है, प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी है, या बात करूँ मैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है मेरे किसकी, मेरे किसकी, इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। अब जब भैया TMS मेरा स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया, तो इसको ही मैंने क्या मान लिया, केमिकल शिफ्ट के स्कूल में जीरो मान लिया, जीरो मान लिया। जैसे जैसे अब TMS जीरो माना, अच्छा TMS को ही क्यों मैंने वो लिया रेफरेंस, इसके भी रीजन थे भैया। क्या रीजन थे, वाई TMS इज रेफरेंस, TMS को ही प्रोटोन इज रेफरेंस लिया मैंने, प्रोटोन NMR में। क्योंकि भैया देखो, पहली बात की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात थी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो था, एकदम भैया मेल्टिंग पॉइंट लो था, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक है। और दूसरी बात करूं मैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 थे। दूसरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 थे, 12 प्रोटॉन थे, हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, क्या थे, हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। इन सबका रोल जब तुम्हें सारे फैक्टर पढ़ लोगे तब पता चलेगा कि हाई प्रोटॉन की वजह से इसका सिग्नल ऊंचा आता था, और ऊंचा आता था तो पहले ही पता चल जाता लंबा बड़ा है, सिग्नल की हाइट बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से रेफरेंस का अलग ही सिग्नल पता चल जाता मुझे। तीसरा बात करूं मैं, क्या था भैया, ये एक नॉन रिएक्टिंग था। अगर मैं TMS को इंस्ट्रूमेंट में डालता, किसी भी कंपाउंड के साथ डालता, तो रिएक्टिंग नहीं करता था। सबसे बड़ी बात थी, अगर रिएक्ट कर लेता तो नया कंपाउंड फॉर्म करता और नए नए सिग्नल मिलते, जो मेरे लिए बहुत बेकार बात होती, ठीक है। और चौथा बात करूं मैं, फोर्थ बात करूं, क्या था भैया, क्या प्रोटोन जो थे ना, वो भैया बहुत कम शील्डेड थे, प्रोटोन आर लेस शील्डेड, क्योंकि अगर बात करूंगा इसके अलावा कहीं भी प्रोटोन आते हैं अगर मेरी केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक NMR इज ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिकली इनऑर्गेनिक का भी करते हैं, पर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक में, देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जैसे, और हाइड्रोजन की 2.5, इसकी 1.9 के, सिलीन की 1.9 के आसपास, तो भैया ये कुछ भी नहीं खींच रहा था अपनी तरफ, तो ये बहुत कम क्या थे, शील्डेड थे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल, इसीलिए तो जीरो पर मिल जाता था इसका, सबसे कम पर इसी का होता है, बाकी सब चीज़ों का इसके ज़्यादा ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है, इसीलिए शिफ्ट वोल्टेज चल जाती है 1 PPM, 2 TPM, 3 PPM, 4, 5, 6 कहाँ तक एग्जिस्ट करता है मैं बता दूंगा वो, ठीक है। ये किसका हो गया भैया, TMS का सिग्नल आ गया, किसका आ गया, TMS का, जो TMS की प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी होगी वही ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी मेरे किसी भी, किसकी, इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। और भी रीजन थे, ये वोलेटाइल था, बहुत वोलेटाइल था, ठीक है, आराम से मिक्सअप हो जाता है, रिएक्ट नहीं करता है, ये सब TMS के रीजन हो गए, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर मुझे भैया शिफ्ट रीवन हो किसी भी कंपाउंड, जैसे मेरे पास ये हो गया, बस केमिकल शिफ्ट के बारे में मतलब पता चल गया ना केमिकल शिफ्ट का, अगर बी नोड में बनाते तो कहां से बनाते, क्या कोई रेफरेंस ही नहीं था बी नोड का, मतलब सॉरी म्यू नोड का, प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी का कोई रेफरेंस ही नहीं था, इसलिए हम उसमें स्केल को डिटरमाइन डिफाइन ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए हमने PPM, यानी मैं बताऊँ केमिकल शिफ्ट में, देखो यही केमिकल शिफ्ट है, अगर मेरा कोई दूसरा सिग्नल 1 PPM का रहा तो इसके इससे बीच के डिफरेंस को ही केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, यही डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करूँ मैं क्या, कि अगर मुझे जैम वालों के लिए बात है, बिल्कुल जैम वाले बिल्कुल ध्यान देंगे इस बात पे, कि अगर मुझे किसी चीज़ की केमिकल शिफ्ट गिवन है,
देखो यहाँ से मुझे पता चला केमिकल शिफ्ट बढ़ी होगी तो प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी भैया, क्योंकि प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी और केमिकल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बात करूँ मैं कि मेरे पास कोई है, ये प्रोटोन है HCH2 क्या और CH2Cl, ठीक है, ये कोई मेरे पास एग्जाम्पल है। इस प्रोटोन की मुझे केमिकल शिफ्ट पता है कितनी है, इस प्रोटोन की केमिकल शिफ्ट मान ली किसी ने कितनी, मान ली 1 ppm, मान लो 1 ppm मान लो, ठीक है 1 ppm मान लो। अब मुझसे पूछे कि भैया इस इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी, या TMS की फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो क्या पूछ ले मुझसे, कुछ भी पूछ सकता है भाई कि ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी मान ली उसने कि भैया ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी और फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS की, TMS तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है बेसिकली, ठीक है, और यह शिफ्ट पूछ ले, देखे शिफ्ट देखे फ्रिक्वेंसी पूछ सकता है, फ्रिक्वेंसी देखे शिफ्ट पूछ सकता है। अगर मैं बात करूँ देखो केमिकल शिफ्ट के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है केमिकल शिफ्ट ऑफ PPM सिर्फ जैम वालों के लिए, जैम वाले लगाएंगे इस फॉर्मूला को, बाकी नहीं पूछता नेट गेट में, केमिकल शिफ्ट के लिए फॉर्मूला वाला नहीं पूछता है, वो क्या क्वांटिटेटिव नहीं पूछता है, क्वालिटेटिव पूछता है। देखो प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, माइनस प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS, प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी उसकी जिसकी शिफ्ट पूछी गई है, केमिकल शिफ्ट पूछी है, क्या पूछी गई है ये भैया, ये क्या प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS, ठीक है, अपोन में प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी, अपोन में क्या लेंगे, सॉरी अपोन में लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन मेगा हर्ट्ज इंटू 10^6, तो ये केमिकल शिफ्ट आ जाएगी उस चीज़ की PPM में, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी माइनस प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS इंटू 10^6। तो यहाँ से हम प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं ना किसी भी चीज़ की, जिसकी हमें, अगर मैं बात करूँ इस प्रोटोन की प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है, तो कैसे निकलेगा भैया कि इस प्रोटोन की प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अगर इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 ये है, ये बकवास है वैसे, कुछ इस टाइप का बहुत रेयर होता है, लिख ले कर लेंगे कुछ ही छोड़ेंगे नहीं ना, ठीक है। तो प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी बतानी है इस प्रोटोन की, तो प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी इस प्रोटोन की कैसे निकल आएगी भैया, कि जो मेरी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी होती है TMS की, किसमें, मेगाहर्ट्ज में, ठीक है, प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ TMS इन मेगाहर्ट्ज प्लस जो केमिकल शिफ्ट दी गई है, जिसकी हमें मुझे क्या निकालनी है, प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी इनटू ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, जो कि मेरी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी होती है TMS की, वही तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, किसमें, मेगाहर्ट्ज में नहीं पर हर्ट्ज में पुट करेंगे, तो ये भैया मेरा क्या दे देगा, किसी भी चीज़ की प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी। अगर मैं मान लूँ ये 100 MHz का इंस्ट्रूमेंट है, कितने का, 100 MHz का इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जो प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी है TMS की वो मेरी 100 MHz है, या बात करूँ मैं जो इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो भी कितनी है, 100 MHz है, ठीक है, तो बात करूँ मैं कितनी है, 100 MHz है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी निकालूँ तो म्यू नॉट, मतलब प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ किसकी, इस वाले प्रोटोन की, तो TMS की कितनी है, 100 MHz प्लस शिफ्ट कितनी है, 1, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितने में, किसमें पुट करनी है, हर्ट्ज में पुट करनी है, किसमें पुट करनी है, हर्ट्ज में, जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में दी है ना, दी किसमें भी हो मेगा हर्ट्ज में दी है 100 MHz, बट पुट किसमें करेंगे, 100 Hz करके पुट करेंगे, तो प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी किसकी आ जाएगी भैया, किसकी, इस वाले प्रोटोन की कितनी आ जाएगी, ये तो 100 MHz, ये 100 Hz कितना हो गया भैया, 100 × 10^6 Hz प्लस 100 Hz, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 2 6 0 3 8 0 3 3 6 7 8 प्लस 100 Hz, इन दोनों को जोड़ देंगे, वही मेरी प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, किसमें, हर्ट्ज में, इस वाले प्रोटॉन की, किस प्रोटॉन की, जिसकी मुझे निकालनी है। यानी अगर मैं डायरेक्ट बात करूं कि भैया देखो कि ये मेरा कोई TMS का सिग्नल कितने पर आ रहा है, 500 MHz पर आ रहा है, और किसी की शिफ्ट 2 ppm है, किसी की शिफ्ट 2 ppm है, तो 500 प्लस क्या, क्या 2 × 500 Hz, क्या 500 प्लस 1000, 500 MHz डायरेक्ट लिखनी, प्लस 1000 Hz, 500 Hz प्लस 1000 Hz क्या हो जाएगा भैया, इसकी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, क्या 500 से 1000 Hz ज़्यादा इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी। अब मैं जैसे किसी की भी लिख सकता हूँ, अगर इसका जनरल फॉर्मूला की बात करूँ, एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ,
जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया कि किसी की शिफ्ट क्या है, किसी की शिफ्ट मैंने मान लिया ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी मान ली एक्स है, मैं एक्स मेगाहर्ट्ज है ठीक है, और केमिकल शिफ्ट क्या है भैया वाई है, केमिकल शिफ्ट क्या है वाई है, बाई पीपीएम है, क्या केमिकल शिफ्ट क्या है बाई पीपीएम है, तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट प्रोटोन, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट प्रोटोन क्या कितनी आ जाएगी, एक्स मेगाहर्ट्ज प्लस एक्स इंटू वाई हर्ट्ज ठीक है, ये मेरा जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, और डायरेक्ट निकालने मैं सिखा देता हूँ, जनरल फॉर्मूला हो गया, जैसे अगर मेरी ये ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है टीएमएस की, इंस्ट्रूमेंट 100 मेगाहर्ट्ज का है, कितने का है 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, यानी टीएमएस की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 100 मेगाहर्ट्ज ठीक है, टीएमएस की प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी भी 100 मेगाहर्ट्ज होगी, टीएमएस की प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी भी 100 मेगाहर्ट्ज होगी, प्लस इस इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी भी 100 मेगाहर्ट्ज होगी, किसी की शिफ्ट 5 पीपीएम है, कितनी है 5 पीपीएम है, ऐसे स्केल होता है 3 4 5 पीपीएम है किसी प्रोटोन की क्या केमिकल शिफ्ट, तो उसकी प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, निकालने के लिए क्या करेंगे 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है प्लस 100 में क्या जोड़ देंगे 5 गुणा 100 हर्ट्ज में, 100 हर्ट्ज में, तो ये क्या हो जाएगा 100 मेगाहर्ट्ज प्लस 500 हर्ट्ज ठीक है, 500 मेगाहर्ट्ज में 500 हर्ट्ज इस किस प्लस 500 इस प्रोटॉन की प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, जिसका प्रोटॉन क्या भैया जिसका प्रोटॉन जिसकी जिस प्रोटॉन की मुझे क्या केमिकल शिफ्ट गिवन है, बाकी जनरल फॉर्मूला ये रहा इससे निकाल सकते हैं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं ठीक है, यहाँ बेसिकली दो तीन चीज़ें और बात कर लेता हूँ भाई, जैसे इसी लेक्चर में बात कर रहा हूँ ज़्यादा आगे दिक्कत ना पड़े, जैसे मैं बात करता हूँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन एनएमआर, किसकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन एनएमआर की, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है ऐसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनएमआर। देखो जैसे हमने डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन टू बाई एच क्रॉस अपॉन टू बाई, ये सब देखते थे ना भैया, इसी तरीके से यहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस, क्या होता है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस, और एच क्रॉस को क्या लिख सकता हूँ एच अपॉन टू पाई से बड़ा होता है, डेल ई क्या होता है भैया डिफरेंस होता है दो एनर्जी स्टेट्स का जिसके बीच में मेरा प्रोटीन ट्रेवल करता है, ये डेल ई होता है, और ये डेली हो गया डिफरेंस प्लस डेल्टी क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है भैया, कि जितने समय में मेरा प्रोटॉन यहाँ से एक्साइटेड हो गया न्यूक्लियस वहाँ जाता है प्लस वहाँ से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, उस टाइम को बीच के जितने में नीचे आता है एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है वही मेरा क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है, बेसिकली क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है, और उसी को हम डेल्टी या टाउ टाउ से भी डिनोट करते हैं ना डेल्टी, बेसिकली डिफरेंस इन टाइम होता है ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डेल्टी मेरा क्या है भैया डेल्टी क्या है एब्जॉर्प्शन एनर्जी, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मेरा प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन एनर्जी ठीक है, और डेल्टी मेरा क्या है डेल्टी मेरा क्या है रिलैक्सेशन टाइम है, क्या है रिलैक्सेशन टाइम है ठीक है, क्या है डेल्टी क्या है रिलैक्सेशन टाइम है, और डेल्टी को क्या लिख सकता हूँ एच म्यू, क्या लिख सकता हूँ एच न्यू लिख सकता हूँ ठीक है, इनटू डेल्टी इज ग्रेटर देन एच अपॉन टू पाई, और एच न्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं वेव नंबर इनटू क्या लिख सकता हूँ डेल, अब अनसर्टेनिटी है डेल्टी है तो इसको एच डेल न्यू लिखा जाएगा ना कि एच न्यू, एच डेल न्यू, तो यहाँ से क्या आ गया एच से एच कट गया डेल न्यू इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन वन अपॉन टू पाई आ गया, किससे आ गया भैया वन अपॉन टू पाई से बड़ा हो गया, अब इसको मैं डेल न्यू क्यों ले सकता हूँ एच इंटू सॉरी सी इंटू वेव नंबर, सी इंटू फ्रिक्वेंसी को जब वेव नंबर में क्रिएट करते हैं तो सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेव नंबर इंटू डेल टी वन अपॉन टू पाई, और यहाँ से मेरा वेव नंबर की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन वन अपॉन टू पाई इंटू सी इंटू डेल्टी, अब ये जो वेव नंबर का रिलेशन होता है ये होता क्या है ये भैया ये मेरा क्या होता है, अगर मैं बात करूँ इसको वेव नंबर से हटा के फ्रिक्वेंसी डिफरेंस में ही देखूँ डेल न्यू जो भैया क्या प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस, प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस क्या होगा वही डिफरेंस होगा जो केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रेसिजनल देखो ये क्या हो गया बी टू माइनस वी वन सॉरी म्यू टू माइनस म्यू वन, यानी दो प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है, और म्यू टू क्या है केमिकल शिफ्ट टू और केमिकल शिफ्ट वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो भाई बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर ही है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी तो बराबर ही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ
shift 2 minus shift 1, difference of chemical shift है भैया, ये difference of chemical shift है, किसकी, एक ही proton का, देखेंगे अभी कैसे कैसे, क्या चीज है ये, क्या हम जानेंगे, basically ये broadness भी है, ये signal की क्या है, broadness भी है, signal की broadness भी यही है, यही बताएगा मुझे signal मेरा broad होगा या क्या होगा, sharp होगा, तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको equal to sign से replace कर दूं, किससे रिप्लेस कर दो, क्योंकि हम जो रिजल्ट निकालते हैं वो इक्वल पुट करके तो निकालते हैं, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में देखा होता है, इनइक्वालिटी को इक्वल टू सॉल्व करके निकालते हैं, तो यहां से डेल न्यू क्या क्या 1/2 पाई c इनटू डेल्टा टी, और डेल न्यू की बात करूं तो क्या गया 1/2 पाई डेल टी, ये दोनों फॉर्मूले काम के हैं रिलैक्सेशन टाइम के लिए। और अब मैं बात करूं भैया ये डेल न्यू क्या है, ये मेरा क्या है, जैसे कोई भी सिग्नल होता है कुछ इस तरीके से सिग्नल आएगा तो ये मेरा ब्रॉडनेस है, ये क्या हो गया डेल न्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यही बताएगा मुझे मेरा सिग्नल कितना ब्रॉड है या शार्प है, सिग्नल ब्रॉड है या शार्प है, यही बात मुझे ये डेल न्यू बताएगा। और डेल न्यू किस पे डिपेंड है, डेल न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/(Δt) के, यानी ये रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम ही बताएगा, रिलैक्सेशन टाइम ही बताएगा एक्चुअल में तो, कि मेरा सिग्नल ब्रॉड होगा या सिग्नल शार्प होगा, सिग्नल ब्रॉड होगा या सिग्नल शार्प होगा, मतलब हम ब्रॉड और शार्प दो टाइप के सिग्नल देखते हैं अपने किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रा में, ठीक है। अब कहाँ कहाँ सिग्नल ब्रॉड होगा, कहाँ कहाँ सिग्नल शार्प होगा, ये हम देखते हैं, देखो कहाँ कहाँ सिग्नल ब्रॉड होगा और कहाँ कहाँ सिग्नल शार्प होगा। ब्रॉड सिग्नल कभी कभी ऑब्जर्व भी नहीं होते, ठीक है, शार्प सिग्नल ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं, ठीक है, अगर मुझे पता चल गया डेल टी ज्यादा होगा तो डेल न्यू कम होगा तो सिग्नल शार्प होगा, और डेल टी कम होगा तो डेल न्यू ज्यादा होगा और सिग्नल मेरा ब्रॉड होगा, क्या होगा, ब्रॉड होगा। कब कब होगा, देखो डेल टी कब कम होता है, जब मेरा आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, आई की वैल्यू सॉरी डेल टी कब ज्यादा होता है, जब आई की वैल्यू ज्यादा हाफ होती है, मतलब मेरा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है और मेरा सिग्नल क्या हो जाता है भैया, शार्प हो जाता है, सिग्नल क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है, सिग्नल क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है, और इसके बढ़ने से डेल म्यू क्या हो जाता है मेरा, घट जाता है, डेल म्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। और बात करूं मैं डेल टी मेरा कब कम होता है, जब मेरी आई की वैल्यू हाफ से नहीं होती, जब हाफ नहीं होती, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू हाफ होता है तो मेरा डेल म्यू बढ़ जाता है और मेरा सिग्नल कैसा पाया जाता है, मुझे ब्रॉड मिलता है, सिग्नल कैसा मिलता है, ब्रॉड मिलता है, ठीक है। अब सिर्फ डेल्टा ये रिलैक्सेशन टाइम ही शार्पनेस या ब्रॉडनेस का रीजन नहीं होता, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जिन पर मेरे सिग्नल की शार्पनेस या ब्रॉडनेस मतलब डिपेंड करती है, ठीक है, शार्पनेस या ब्रॉडनेस डिपेंड करती है। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की, एक चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट EFG, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ठीक है, जहां भी EFG मेरा क्या होगा, EFG अब्सेंट होगा ना, मेरा सिग्नल शार्प होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अब्सेंट है तो सिग्नल क्या होगा, शार्प होगा, और अगर प्रेजेंट है तो सिग्नल क्या होगा, ब्रॉड होगा। अब कब EFG प्रेजेंट होता है, कब नहीं, ये हम देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो क्या भैया कि EFG क्या हो, कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट मतलब कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्रिएट हो जाए किसी टाइम पर स्टे करने की वजह से, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे पहला केस देखता हूँ मैं, NH3 का केस देखूँ और NH4 का प्लस का केस देखूँ, NH4 प्लस है और NH3, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, N लोन पेयर, H इसका कुछ ऐसे होगा, N H H H H, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट कर रहे होंगे दोनों ऐसे ऐसे, अगर मैं N को हटाकर न्यूक्लियस बनाना चाहूँ, N को हटाकर न्यूक्लियस बना दूँ, लो N को हटाकर क्या बना दिया मैंने, न्यूक्लियस बना दिया बीच में, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा बेसिकली, तो प्रोटॉन सबसे ज़्यादा टाइम किसके पास आएगा भैया, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, देखो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी वहीं तो, मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो मेरा प्रोटॉन कुछ जगह स्टे करना चाहेगा जहाँ भैया मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी,
हमें पता है लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है, तो इस वाले केस में जो मेरा प्रोटॉन रहेगा ना मैक्सिमम टाइम यहाँ स्टे करेगा, कहाँ स्टे करेगा, मैक्सिमम टाइम यहाँ स्टे करेगा, मैक्सिमम टाइम यहाँ स्टे करेगा, तो जिसकी वजह से डेल टी बढ़ जाएगा, क्योंकि भैया मैक्सिमम टाइम यहाँ स्टे करेगा तो प्रोटॉन के पास नहीं आएगा ना, और प्रोटॉन का रिलैक्सेशन टाइम करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो मेरा लोन पेयर के पास रहेगा, और मैंने देखा जैसे ही मेरा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि भैया मेरा प्रोटॉन जल्दी जल्दी रिलैक्स होकर आ जाएगा, ये मैक्सिमम टाइम यहाँ स्टे करेगा तो मेरा इनके लिए तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि एकदम से घूमकर चला जाया करेगा यहाँ से, तो एकदम से घूमकर चला जाएगा तो इनके लिए रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो यहाँ डेल्टी मेरा क्या हो जाएगा फॉर प्रोटॉन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा सिग्नल क्या मिलेगा ब्रॉड मिलेगा, डेल्टी कम हो जाएगा तो डेल न्यू बढ़ जाएगा, सिग्नल ब्रॉड मिलेगा, जबकि इस वाले केस में प्रोटॉन हर जगह इक्वली टाइम स्पेंड करेगा और मेरा डेल्टी क्या हो जाएगा, डेल्टी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डेल म्यू घट जाएगा और सिग्नल मेरा क्या मिलेगा शार्प मिलेगा, कैसा मिलेगा शार्प मिलेगा, ठीक है। कभी कभी किसी को बोलते हैं भैया ईएफजी क्रिएट हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अगली बात करूं और क्या केस हो सकता है, भैया सिमेट्री के बेसिस पर भी सिग्नल शार्प या ब्रॉड हो जाते हैं, सिमेट्री के बेसिस पर भी सिग्नल शार्प या ब्रॉड हो जाते हैं, तो अगर मैं दूसरा वालूँ तो सिमेट्री की वजह से भी सिग्नल शार्प या ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। जब मेरी सिमेट्री अगर एक्सियल हो, किसकी मॉलिक्यूल एक्सियल सिमेट्री का हो, तो मेरा सिग्नल कैसा मिलता है, सिग्नल मेरा ब्रॉड मिलता है, कैसा मिलता है ब्रॉड मिलता है, और मॉलिक्यूल मेरा स्पेरिकल सिमेट्री का हो, ये बस याद रखते हैं कि स्पेरिकल सिमेट्री में सिग्नल कैसा मिलता है, मुझे शार्प मिलता है, पूछने वाला कोई नहीं रखा। इसका एग्जाम्पल होता है और इसका एग्जाम्पल होता है Cl(O)-, ठीक है, और इसका क्या होता है Cl(O)-। ये दोनों अगर क्लोरीन NMR करें, इनका Cl के आइसोटॉपिक NMR करते हैं, अगर Cl में मेरा आइसोटॉपिक एक्टिव न्यूक्लियाई हो, क्योंकि इसका आई क्या होता है 5/2, यानी 1 के इक्वल नहीं है, तो एक्टिव तो आई चाहे सेंसिटिविटी कम ही क्यों ना हो, ठीक है, 5/2, इसका भी आई कितना होता है 5/2, मतलब 5/2 होता है, इसका भी आई 5/2 होता है, लेकिन इसकी सिमेट्री की वजह से, इसकी सिमेट्री की वजह से इसमें ईएफजी आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, इस साइड ईएफजी नहीं होता, और ईएफजी नहीं होगा तो सिग्नल क्या होगा शार्प होगा, तो इस वाले के केस में सिग्नल कैसा मिलेगा शार्प मिलेगा, और इस वाले के सिग्नल में क्या मिलेगा ब्रॉड मिलेगा, ठीक है, इस वाले के लिए सिग्नल ब्रॉड मिलेगा, ठीक है, यही शार्पनेस और ब्रॉडनेस का कॉन्सेप्ट था। अगले लेक्चर में, आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करूंगा, बस ये बताने वाला हूं कि अगले लेक्चर में मैं क्या बताऊंगा। देखो अगले लेक्चर में हम प्रोटॉन एनएमआर को ढंग से पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे नेट गेट जेम आरएफआर में, इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ खत्म हो गया, बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन खत्म हो गया, अब एप्लीकेशन पार्ट है कि कैसे मेरा सिग्नल डिटेक्ट होता है, कितने सिग्नल डिटेक्ट होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन खत्म हो गया। नेट और गेट में एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन का आता ही आता है भैया, नेट गेट वाले, तो इसे ढंग से पढ़ जाना जो मेरे अभी तक के लेक्चर हैं, अभी तक के स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं प्रोटोन एनएमआर स्टार्ट करूंगा 1H NMR ढंग से, ठीक है, 1H NMR स्टार्ट करूंगा, और 1H NMR को मैं 7 फैक्टर में पढ़ाऊंगा, किस में पढ़ाऊंगा 7 फैक्टर्स में पढ़ाऊंगा, और इन 7 के 7 फैक्टर में मैं 1H NMR को ख़त्म कर दूंगा, और इस 7 फैक्टर, जब तुम 7ों के बारे में जान लोगे कौन सा क्या इन्फॉर्मेशन देता है, किससे क्या पता चलता है, तो NMR का ना कोई भी क्वेश्चन लगा लेना, कोई भी क्वेश्चन आपसे चुटकियों में होगा, मिनट में होगा, बिना कॉपी पेन के भी होगा, ठीक है। वो 7 फैक्टर क्या है, पहला भैया, पहला है नंबर ऑफ सिग्नल, ठीक है, ये क्या बताएगा ये भी देखेंगे, दूसरा केमिकल शिफ्ट, तीसरा फैक्टर क्या है भैया, तीसरा फैक्टर है एरिया ऑफ सिग्नल या इंटीग्रल ऑफ सिग्नल, एरिया या इंटीग्रल ऑफ सिग्नल, चौथा, फोर्थ फैक्टर क्या है भैया, मल्टीप्लिसिटी, फोर्थ फैक्टर इज मल्टीप्लिसिटी, फिफ्थ फैक्टर, पांचवा फैक्टर क्या है मेरा, कपलिंग कांस्टेंट, फोन बज रहा है, पता नहीं किसका आ रहा है, छोड़ो अभी 2 मिनट की बात है, छठा फैक्टर क्या है, केमिकल शिफ्ट डिफरेंस, जिसको मैं डेल न्यू से डिफाइन करता था,
और सातवां फैक्टर क्या है, डेल न्यू वाई जे, कपलिंग कॉन्स्टेंट मेरा जे होता है, ये मेरे कैलकुलेशन पैरामीटर होते हैं लास्ट टाइम वाले। इन सात फैक्टर में पूरा एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर, वन एच एनएमआर खत्म हो जाएगा, और ये सातों चीज़ क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगी ये सब सीखेंगे। थैंक यू सो मच।